फ्री में मोबाइल दे के आप सबका वोट खरीद रहे हैं। आपको पता भी है आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं? आप लोगों ने इनसे मोबाइल ले लिया और आप तैयार हो गए कि आप इन्हें वोट देंगे, पूरा का पूरा परिवार इन्हें वोट देगा, लेकिन आप भूल गए कि आपके इस छोटे से लाभ के लिए आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। हाँ तो? अरे आप तब इनको जीता तो दोगे, लेकिन जीतने के बाद इसे ना आपकी कोई परवाह होगी ना कोई फिक्र होगी। अरे मुड़ के भी नहीं देखेगा आप लोगों को। वो ये बता रहे कि सेवक लाल जी को आपकी बहुत फिक्र है, पर आप ये बताइए कि आपके बस्ती में आपके घरों में 24 घंटा पीने का पानी है कि आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है? आप लोगों के पास हुनर है पर रोजगार क्यों नहीं है? आपके पास जेब है लेकिन उस जेब में पैसे क्यों नहीं है? पढ़ने के लिए यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं है? और अगर स्कूल है तो उसमें टीचर क्यों नहीं है? आप लोगों के पास 24 घंटे बिजली क्यों नहीं है? वाक जैसी अहम जरूरत के लिए यहाँ कोई प्रबंध क्यों नहीं है? टॉयलेट जैसा सुविधा का इंतजाम क्यों नहीं है? आप अपने पिता या पति की बात मानकर वो जिसे कहे उसे वोट देते हो, लेकिन उसके बाद जो नुकसान होता है वो आप लोगों को ही झेलना पड़ता है। पानी की लाइन में आप सबको खड़ा रहना पड़ता है, मटके उठा उठा के घर तक पानी आप सबको लाना पड़ता है, और अगर लाइट चली जाए तो आपको अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है। समस्याएं समस्याएं, लेकिन इन तमाम बातों का जिक्र सेवकलाल की बातों में नहीं। कभी सोचा आपने कि सेवकलाल के बातों में इन समस्याओं का जिक्र क्यों नहीं है? और देखिए दोस्तों, आप सब समझते होंगे कि आपके पास कुछ नहीं, लेकिन आप सबके पास एक ऐसी कीमती चीज है जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ मिल सकता है। वो चीज आपको सब कुछ दिला सकता है, और वो कीमती चीज है आपका वो